खबर भरतपुर के नदबे से है, जहां राजीव जिंदल का आरजीएस में चयन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई। जिंदल ने बताया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा नदबई में हुई और लॉ की पढ़ाई जयपुर में की। उन्होंने 62वीं रैंक हासिल की और मीडिया से बातचीत करते हुए राजीव जिंदल ने बताया कि उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने यहाँ सफलता 6वीं बार हासिल की है। वर्तमान में वे जयपुर में एपीपी के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मेरी सफलता के पीछे आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है और ऊपर वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरे साथ तन मन धन से रहा और अंत तक मेरे साथ रहा। साथ ही मैं अपने माता पिता, मेरे अन्य परिवारजन और विशेष रूप से मैं अपने बड़े भाई श्री कृष्णधारी जिंदल, श्री रविकांत जिंदल, जो वर्तमान में न्यायिक अधिकारी के पद पर हैं, उन्होंने मेरे इस कार्य को आसान कर दिया और जिससे मैं लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ता चला गया और मैंने अपना लक्ष्य